नक्शे को गौर से देखिए, यहां पे एक मुल्क है पाकिस्तान, साथ एक मुल्क है इंडिया। हमारे मौलवी जी कहते हैं, पहले मौलवी जी को सुन लीजिए, साढ़े को बंदा नहीं फड़िया जा रहा है, लीगली तौर पे अपनी जड़िया वर्दियां लबैक वाले नु पवाओ। जे तुहानू घंटे डेढ़ घंटे तक कौमे यूथ नु वागा बॉर्डर क्रॉस ना करवाया तो साडा नाम बदल छड़ो। मौलवी जी फरमाते हैं, अगर पंजाब पुलिस हमको यूनिफॉर्म दे दे, वर्दी दे दे, हम यूथियों को धक्का मार के वाघा बॉर्डर के उस पार इंडिया में भेज दें। मौलवी साहब ठीक है, आप उन लोगों के खिलाफ बातें करें तो अच्छा लगता है जिनको खुद नमाज पढ़ना नहीं आती। यूथियों का लीडर वो शख्स है जो आपकी तरह मस्जिद में लोग बैठे हुए हूं 2, 4, 6, 700, इन्हें के किसी और का तंदूर गर्म हो तो वो रोटी नहीं सेकते। यूथियों का लीडर वो शख्स है जो यूनाइटेड नेशन में खड़े होके 66 इस्लामी मुल्कों में से किसी की जरूरत नहीं हुई, जिनके अपने ममालिक में 2 फुट का अगर आप गड़ा खोदे तो वहां से पेट्रोल और डीजल निकलता है। ये यूथियों का लीडर जिसके मुल्क में सिर्फ गंदगी होती है, इमरान खान यूनाइटेड नेशन में खड़े होके कहता है, जब तुम लोग ये निगार मुस्लिम हमारे नबी की शान में गुस्ताही करते हो तो हमारे दिलों में दर्द होता है। आप तो अपने लोगों को कत्ल करते हो इस्लाम के नाम पे। आप आदम बू कोई इंसान मिले, कोई दूसरा उस पर इल्जाम लगाए, उसे कत्ल करें। आप तो कत्ल करना चाहते हो, लेकिन यूथियों का लीडर इस चीज पे यकीन रखता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये यूथियों का लीडर है जिसने पाकिस्तान में पहली बार बगैर दाढ़ी के, बगैर मिलिट्री सपोर्ट के, बगैर किसी बैरूनी ताकत के फंड के ये कहा है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। मालूम है कब कहा है? जब पब्लिक उसके पीछे फिर रही थी। तो इस मुल्क में मौलाना साहब इस्लाम को इस्तेमाल करने वाले हर गली में मौजूद है। आप शर्मा जी को किसी गांव में बैठे हुए किसी शरीफ बंदे को तो पाल बना सकते हैं, हम लोगों को नहीं बना सकते। हमने अल्लाह के फजल से कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है और खान के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आलम है, सबसे ज्यादा हाफिज। अगर आपको शक को सर्वे कर लेते हैं वो इमरान खान को मानने वाले हैं। तो ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके टोपी ड्रामा करके आप लोग इकट्ठे तो कर सकते हो, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते। आपके पास 2 सीटें हैं इस वक्त पाकिस्तान में। क्या दिया आपने वहां पे? क्या दिया? एक काम बता दें, सिंध में आपके पास सीट है। क्या बात करती यार आप लोग। आपके बारे में अकबर ने कहा था, उम्मत की इमामत क्या है, ये तौरकत के इमाम क्या जाने। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के दुर में रहता है और मौलवी साहब आपसे 1000 गुना बेहतर मुसलमान है। और अगर हमको ये ऑप्शन दिया जाए कि मौलवी तुम्हारे वाला इस्लाम या इमरान खान वाला, खुदा की कसम हम इमरान खान वाले इस्लाम को, क्योंकि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अरबी का इस्लाम है।